हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेस में। आप सभी लोग पीजी सेल के वैकेंसी का वेट कर रहे थे। एक डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आई है, मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा, और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा वालों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। PGCIL यानी पावर ग्रिड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आउट हुई है ट्रेनी सुपरवाइजर के। तो चलिए आ गए PGCIL की भर्ती, हम लोग फुल डिस्कशन इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि हम लोग पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं, जॉब और अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन पे, यहाँ से हम लोग जब स्क्रॉल करेंगे तो आज एकदम जस्ट अभी रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए फॉर पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड PESL। ये PGCIL की हैं पावर ग्रिड की। तो चलिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहेगी, यानी आज से स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से फुल नोटिस को हम लोग डाउनलोड कर ले देख ले सकते हैं। यहाँ अभी जस्ट आइए 16 अक्टूबर 2024 को, और आपको जस्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पावर ग्रिड के बारे में लिखा गया है, साथ ही साथ पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में भी लिखा गया है। हम लोग इस वीडियो में मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी, आपका पोस्ट कौन सा रहेगा, ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। पोस्ट आईडी यहाँ पर देख सकते हैं 430। टोटल वैकेंसी आपका 70 है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें UR के 30, EWS की 7, OBC को 18, SC की 10 और ST की 5 है। एक सर्विसमैन को अलग रखा गया है। उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। फुल टाइम आपका रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फॉर्म रिक्वायर्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% आपके पास डिप्लोमा में होना अनिवार्य है तो ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए। पास मार्क किसके लिए रहना चाहिए, SC और ST वालों के लिए पास मार्क रहना जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC जनरल वालों के लिए 70% आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया हाईएस्ट टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech ये सब आपके पास नहीं रहना चाहिए तो ही आप लोग इस फॉर्म में एलिजिबल कर सकते हैं। देखते हैं इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में अगर इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिस्टम इंजीनियरिंग है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात की गई है, 27 साल आपका रखा गया। PESL आप लोग देख सकते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद PESL 24,000 यानी 3% पर ईयर का इंक्रीमेंट होगा। IDA मिलेगा आपको, सेंट्रल में DA मिलता है, इसमें IDA मिलता है। HRA पर्क 12% ऑफ बेसिक पे पर मंथ मिलेगा, लगभग सैलरी आपको 40 के अप्रोक्स मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, आपका सिलेक्शन होता है तो 2.5 लाख का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनता है। एप्लीकेशन फी 300 का रखा गया है, एप्लीकेशन फी 300। अब नीचे बात करते हैं OBC SC ST कैंडिडेट को लिए छूट दिया गया है एज में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों में से कोई भी होगा, 100% वेटेज आपका रहेगा, एक ही सिंगल एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देख सकते हैं पार्ट ए में टेक्निकल नॉलेज का 120 क्वेश्चन, पार्ट टू में एप्टीट्यूड टेस्ट जिस प्रकार आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग का होता है। टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें टेस्ट सेंटर आपका कहाँ का रहेगा, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बंगलोर और चेन्नई, ये सारी जगह आपका टेस्ट सेंटर रखा जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है सारी जानकारी इसमें दी गई है और डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग डेट आज का रखा गया 16/10 यानी आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा, 5:00 से। क्लोजिंग डेट 6 नवंबर रखा गया, कट ऑफ डेट का यहाँ पर देख सकते हैं 6/11/2024 यानी कि इससे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी या दिसंबर में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपको मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।